हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं हूं ललित वशिष्ठ और अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मेड इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है मल्टीप्लेक्सिंग के ऊपर, ठीक है। तो इस मल्टीप्लेक्सिंग में हम देखेंगे कि मल्टीप्लेक्सिंग होती क्या है और हम दो तरह की मल्टीप्लेक्सिंग यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिनको कि हम TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड FDM दैट इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, इनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि ये क्या है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है और साथ ही इनकी हम कंपेरेटिव स्टडी पढ़ेंगे कि क्या क्या FDM के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, TDM के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसे यूज करने के, ठीक है। और एक हम डायग्राम भी इनका यूज करेंगे TDM का और FDM का, जिनकी मदद से आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि टाइम डिवीजन एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसमें आपका डेफिनेटली सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू TDM एंड FDM। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं तो आपको इसके नोटिफिकेशन मिल जाएं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बड़े ही आसान शब्दों में बता देता हूं पहले कि मल्टीप्लेक्सिंग होती क्या है। एक्चुअली सपोज कीजिए कि हमारे पास एक चैनल है जिसके थ्रू हम मैसेजेस यानी कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं और हमारे पास चार यूजर्स हैं। देयर आर फोर यूजर्स जो कि ट्रांसमिट करना चाहते हैं मैसेज को उस कम्युनिकेशन चैनल से होकर के। अब हमारे पास हम चाहते हैं कि चारों यूजर्स का जो मैसेज है वो एक ही चैनल से होकर के ट्रांसमिट हो जाए, तो इसके लिए क्या होगा, हमारे पास दो रास्ते हैं। एक्चुअली हम यदि उन सभी को एक ही चैनल से होकर के ट्रांसमिट करेंगे सारे सिग्नल्स को, सारे मैसेजेस जो यूजर्स के हैं उनको, तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उनकी इंटरमिक्सिंग, वो मिक्स होना स्टार्ट कर देंगे और उनके बीच में इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो हमें जो रिसीविंग एंड पर जब वो अलग अलग यूजर्स के अलग अलग जो मैसेज सिग्नल्स हैं वो जब पहुंचेंगे रिसीविंग एंड पे तो वो मिक्स हो जाएंगे, उनके बीच में इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। तो ये जो इंटरफेरेंस होता है उसे हमें रोकना है और हमें सारे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अलग अलग चैनल यूज़ ना करें, ठीक है, हम उसी ही चैनल से होकर के कई सारे यूज़र्स का डाटा ट्रांसमिट कर पाएँ, तो उसके लिए हमें एक ऐसी टेक्निक यूज़ करनी होगी जिसे कि हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। इस मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ करने पे क्या होगा कि जो यूज़र्स का जो डाटा है, यूज़र्स के जो सिग्नल्स हैं, मैसेज सिग्नल्स हैं, वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे। तो एक ऐसी टेक्निक जो कि ये सब हमें करवाने के लिए अलाउ करे उसे हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। तो यदि मैं फॉर्मल डेफिनेशन बताऊँ आपको मल्टीप्लेक्सिंग की, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन द मल्टीप्लेक्सिंग इज अ टेक्निक इन विच सेवरल मैसेज सिग्नल्स आर कंबाइंड इनटू अ कंपोजिट सिग्नल सो दैट दे कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ कॉमन चैनल, जो कि हम कॉमन चैनल के ऊपर हम ट्रांसमिट कर सकें विदाउट एनी इंटरफेरेंस। तो अब हमें क्या करना है, हमें वो दोनों टेक्निक्स हम इसमें पढ़ेंगे, एक है टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग और दूसरी है एक फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब मैं सरल शब्दों में आपको टाइम डिवीजन और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी समझा देता हूँ। तो देखिए, अब मुझे डाटा को ट्रांसमिट करना है एक ही कॉमन चैनल पे। अब मेरे पास दो तरीके हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ही समझा रहा हूँ। तो पहला है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसमें क्या है कि यदि मुझे कोई एक डाटा ट्रांसमिट करना है, कई सारे डाटा यूजर्स हैं उनका डाटा ट्रांसमिट करना है, तो या तो मैं ये करूँ कि उनको सभी को एक साथ ही चैनल में भेज दूँ, उनको एक साथ ही अलाउ कर दूँ ट्रांसमिट करने के लिए अलग अलग यूज़र्स को, और लेकिन उसमें इंटरमिक्सिंग होगी, तो क्या करें, अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज़ करके, जैसे फर्स्ट यूज़र को किसी एक अलग फ्रीक्वेंसी पे डाल दिया, दूसरे यूज़र को अलग फ्रीक्वेंसी पे, तीसरे को अलग और चौथे को अलग पे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से यदि मैं एक साथ अलाउ करूँ तो उनके बीच में मिक्सिंग नहीं होगी और वो ईजिली अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज में वो चलेंगे, तो वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में जाने की वजह से वहाँ पर जो रिसीविंग एंड पर जब वो पहुँचेगा तो हम इजीली उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया, एक साथ ट्रांसमिट करो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, दिस इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, हम टाइम में डिवीजन करते हैं, उसमें हमने फ्रीक्वेंसी में डिवीजन किए थे अलग अलग फ्रीक्वेंसी बट टाइम वाज सेम, इसमें टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम टाइम में डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग इज इन टाइम। तो उसमें क्या होगा, हम एक यूजर होगा वो पूरी बैंडविड्थ यूज करेगा,
यानी कि पूरी फ्रीक्वेंसी जो कि चार यूज़र्स मिलके जितनी कर सकते हैं, जितनी हमारे पास है, वो सारी की सारी बैंडविड्थ वो यूज़ करेगा पहला यूज़र। और जब वो ट्रांसमिट कर ले अपना डाटा, तो उसके बाद दूसरे यूज़र का नंबर आएगा, फिर वो पूरी बैंडविड्थ यूज़ करेगा, ठीक है, फुल फ्रीक्वेंसी को जो हमारे पास है, और फिर तीसरे का नंबर आएगा, चौथे का नंबर आएगा, फिर तो एक एक करके इन टाइम। तो ये हो गया टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो इससे भी आपको पता है कि एक बार में एक ही यूज़ कर रहा है तो मिक्सिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चैनल, और एक ही चैनल हमारा यूज़ हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके हैं। तो हम पहले FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को डिस्कस करेंगे, फिर हम करेंगे TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को डिस्कस। तो चलिए हम डायग्राम की मदद भी लेंगे इसमें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा ही दिया है कि क्या होती है। अब आप देखिए, ये एक मैंने बनाया है कि हमारे पास चार यूज़र्स हैं, ठीक है, यूज़र 1, 2, 3 एंड 4, और ये चारों यूज़र्स मैंने यहाँ पे आपको ग्राफ में, इसमें डायग्राम में बता दिए क्या है। देखिए, इस एक्सिस पर ये जो वाई अक्ष है, वाई एक्सिस है, इस पर है फ्रीक्वेंसी और इस पर है टाइम, ठीक है। तो इस पे आप टाइम समझिए, इस पे है फ्रीक्वेंसी। अब आप देखिए कि इसमें यूज़र 1, 2, 3 एंड 4 जो चारों यूज़र्स हैं, ये डाटा अपना ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं यूजिंग FDM। कैसे हम FDM यूज़ करेंगे इसमें, आप देखिए, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरी रेंज है, ये फ्रीक्वेंसी अपने पास है अवेलेबल, ठीक है। तो जो पहला यूज़र है, ये क्या कर रहा है, ये देखिए, ये सिर्फ इतने से इतने तक की जो टोटल फ्रीक्वेंसी है, उसमें से सिर्फ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी ही पार्ट को इसने यूज़ किया, यानी कि फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक की ही इसने फ्रीक्वेंसी यूज़ की। और कितनी देर तक डाटा ट्रांसमिट किया, पूरे टाइम तक, यहाँ तक। और जो दूसरा यूज़र है, वो यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहा है, और तीसरा यूज़र यहाँ से यहाँ तक की, चौथा यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि हमने पूरी फ्रीक्वेंसी किसी यूज़र को नहीं दी, हमने इसको चार टुकड़ों में बांट दिया फ्रीक्वेंसी को, अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज में ये डाटा ट्रांसमिट हो रहे हैं। और साथ में देखिए, डाटा आप एक टाइम पे, जैसे मैं सपोज़ आपको समझाने के लिए इसमें लिख देता हूं थोड़ा, कि सपोज़ ये टाइम 0 है और ये टाइम T1 है, ये टाइम T2 है, कुछ इंस्टेंट्स पे मैं आपको बता देता हूं कि सपोज टाइम T1 है। अब T1 टाइम पे यदि मैं एक वर्टिकल लाइन खींचूँ एक डॉट 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 करके, तो आप देखिए इस टाइम इंस्टेंट पे देखिए आप कि T1 टाइम पे सारे के सारे यूज़र्स जो हैं 1, 2, 3, 4 वो अपना डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। देखो, इस T1 में देखूँ यदि मैं, तो ये भी कर रहा है, 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 यानी कि हर टाइम इंस्टेंट पर चारों यूज़र्स का डाटा जा रहा है, लेकिन वो क्या है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं, इसलिए उनकी इंटरमिक्सिंग नहीं होती। कॉमन चैनल यूज़ कर रहे हैं सभी, तो उनकी इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही। अब T2 टाइम पे भी देखो आप, सारे यूज़र्स, आप कितनी भी वर्टिकल्स लाइन्स में वर्टिकल लाइन्स खींचोगे तो पता चलेगा कि किसी भी टाइम इंस्टेंट पर चारों यूज़र्स अपना डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं ना, लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज में, अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ में। तो इससे क्या हो रहा है, उनकी मिक्सिंग नहीं हो रही है। तो यही हुआ। तो लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है, एक प्रॉब्लम होती है, जैसे हम बोलते हैं क्रॉस टॉक। तो क्रॉस टॉक क्यों हो रही है, क्योंकि हर टाइम पे किसी भी इंस्टेंट पे चारों यूज़र्स का डाटा एक साथ उसमें ट्रांसमिट हो रहा है। तो क्रॉस टॉक की जो प्रॉब्लम होती है वो FDM में देखी जाती है, जबकि TDM में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उसमें एक टाइम पर एक ही यूज़र ट्रांसमिट कर रहा होता है अपना डाटा, ठीक है, अगले का नंबर अगले में आएगा, अगले टाइम स्लॉट में। ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये डायग्राम आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए, ये आ गई टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब इस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में आप सेम तरह से आप समझिए, कैसे वही चार यूज़र्स हैं, यूज़र 1, 2, 3 एंड 4, वही टाइम और फ्रीक्वेंसी एक्सिस हैं। अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिवीज़न फ्रीक्वेंसी में नहीं है, टाइम में हो रहा है। टाइम डिवीज़न, यानी कि डिवीज़न इज इन टाइम, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न, डिवीज़न फ्रीक्वेंसी के बीच में था। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये जो पहला यूज़र है, हम पहले यूज़र को ही लेते हैं, सबसे पहले यूज़र वन। अब यूज़र वन क्या कर रहा है, यूज़र वन का ये पूरा जो स्काई ब्लू कलर है, ये वाला है पूरा बैंड, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हमारे पास पूरी फ्रीक्वेंसी थी, इसको यूज़र वन यूज़ कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। जबकि पहले वाले केस में क्या था, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में यूज़र वन को सिर्फ इतनी सी ही फ्रीक्वेंसी मिल रही थी, लेकिन इस वाले में पूरी फ्रीक्वेंसी मिल रही है। तो सेम केस यूज़र टू के साथ भी है, यूज़र टू ब्राउन वाला, इसको भी पूरी फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये फ्रीक्वेंसी है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज इसको भी और इसको भी मिल रही है।
तो इसने पूरी फ्रीक्वेंसी यूज़ की, उसने पूरी बैंडविड्थ जो बैंडविड्थ हमारे पास है वो यूज़ की यूज़र वन ने, सिमिलरली सभी यूज़र्स ने यूज़ की, लेकिन इस बार प्रॉब्लम कहाँ आई है, इस बार जो डिवीज़न हुआ है वो है टाइम में। देखिए यूज़र वन ने कहाँ से कहाँ तक ट्रांसमिट किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यूज़र यहाँ से यहाँ तक यूज़र वन का ट्रांसमिशन चला और उसने पूरी बैंडविड्थ यूज़ करी यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ आकर के ये यूज़र वन का रुक करके यूज़र टू चालू हो गया, यूज़र टू इसका टाइम स्लॉट ख़त्म, अब यूज़र टू का टाइम स्लॉट चालू हो गया, यूज़र टू है ब्राउन वाला, इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसमिट किया, ये टाइम एक्सेस है ना, और उसने भी पूरी बैंडविड्थ यूज़ की यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि बैंडविड्थ पूरी और टाइम में डिवीज़न। फिर यूज़र थ्री का टाइम स्लॉट चालू हो गया, उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसमिट किया और पूरी बैंडविड्थ यूज़ की, तो हो क्या रहा है इसमें, ऐसे ही यूज़र चार ने, तो यहाँ सभी क्या कर रहे हैं, अपने अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और अपनी अपनी बारी जैसे आती जाती है वो पूरी बैंडविड्थ यानी कि पूरे के चैनल को वो खुद अकेला यूज़ करता है वो यूज़र, लेकिन अपनी बारी आने पर। तो ये है टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, जबकि फ्रीक्वेंसी डिवीज़न में क्या हो रहा था, सभी अपना एक साथ ट्रांसमिट कर रहे थे लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि जैसे कि मिक्सिंग ना हो जाए, तो उसमें भी मिक्सिंग नहीं हो रही फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से, और मिक्सिंग इसमें भी नहीं हो रही क्योंकि ये पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज यूज़ कर रहे हैं लेकिन एट ए टाइम एक ही कर रहा है। तो इसमें क्रॉस टॉक की भी प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉस टॉक होगा भी कैसे क्योंकि एक बार में तो एक ही यूज़र है उसमें। तो ये हमारा किसका कॉन्सेप्ट हो गया, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। तो आई होप कि आपको ये दोनों मल्टीप्लेक्सिंग के जो तरीके हैं वो समझ में आ गए होंगे, और भी होती है एक कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, CDM। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो बढ़िया लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको और जो मैं नई वीडियोज़ बनाता हूँ उसके नोटिफिकेशन मिल जाएँ और आप उनको ईजिली सबसे पहले देख पाएँ, ठीक है, और कोई भी आपका वीडियो मिस ना हो। और अच्छा लगा उसे प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बस यही कहना है आपसे, और बस मेरे वीडियोस को देखते रहिए और मज़े करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय दोस्तों। फ्रेंड्स, फॉर मोर सच वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल इंजीनियरिंग मेड ईजी, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ़ यू लाइक इट। फॉर मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट माई ब्लॉग. See you soon in the next video. Till then, bye-bye.